गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, रिजल्ट अच्छा आपका अच्छा आया होगा। जिसका रिजल्ट नहीं आया, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, उन मोटिवेशन के वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर भी जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारी एनर्जी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो एनर्जी हमारी डेसिपेट हो जाती है। कुछ टाइम में हमें पता नहीं लग पाता कि इस एनर्जी को कहाँ पर लगाएं, कैसे करें। आप मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए, आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है कि मोटिवेट होने के बावजूद भी हम वो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। क्या मोटिवेशन के वीडियोस इफेक्टिव नहीं होते या हम उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं? इस चीज़ को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक एग्जांपल से। अब हमारे स्कूल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हम स्कूल जाते हैं। मान लेते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ आने से पहले हमें 60 दिन स्कूल जाना है। 60 दिन में से आप कितने दिन छुट्टी मार सकते हैं? कम से कम आपको 40 दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप 40 दिन नहीं जाएंगे तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? पहला तो ये, आपकी मैडम आपको डांटेगी कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कोई वैलिड रीज़न है आपके पास स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, वो आपके प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे अगर आप और ज़्यादा दिन एबसेंट होंगे। और तीसरे केस में आपके घर में वार्निंग नोटिस आ जाएगा कि भाई ये बच्चा आपका स्कूल नहीं आ रहा, अगर ये इसके बाद स्कूल नहीं आएगा तो आप अपने बच्चे को घर में रखिए, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, इस सिनेरियो में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पुश करता है, चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको पुश करता है कि भाई हमें स्कूल जाना है? पहली चीज़, शेड्यूलिंग और प्लानिंग। ये दो चीज़ें आपको, ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपको बताती है कि आपको इतने बजे स्कूल पहुंचना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। 7:30-8 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, उसके लिए आपको यू हैव टू बी गेट रेडी, बिल्कुल तैयार होके ब्रेकफास्ट करके नहा धो के आपको स्कूल पहुंचना है। इतने टाइम पीरियड तक, जब तक छुट्टी नहीं हो जाती, आपको अटेंटिव होके, डिसिप्लिन होके उस चीज़ को अटेंड करना है, क्लासेज अटेंड करनी है, और रिस्पॉन्सिव होना है, प्रोएक्टिव होके आपको उस चीज़ को अटेंड करना है। अगर आप ये चीज़ सही ढंग से डिसिप्लिन में नहीं करोगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या? आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, या अगर आप स्कूल नहीं आ रहे, आप ज़्यादा दिन एब्सेंट हैं, तो आपको डांट पड़ सकती है, प्रिंसिपल के सामने आपकी पेशी हो सकती है, या आपको ये भी बोला जा सकता है कि हम आपको ये, अगर इस दिन इससे ज़्यादा आप एब्सेंट होंगे तो आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे सिनेरियो में प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, और अगर वो प्लान और वो शेड्यूल आप नहीं फॉलो करते हो तो उसके साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अटैच्ड हैं। तो यही तीन चीज़ें, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और अटैचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू द इवेंट, ये चीज़ें आपको पुश कर रही हैं कि इस चीज़ को मुझे अकम्प्लिश करना है, इस चीज़ को मुझे पूरा करना है। अगर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरे साथ नेगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो, किसी भी चीज़ में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, पढ़ाई हो गई या किसी भी, अगर आप नॉर्मल बात करें लाइफ की, तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, उस पूरे प्लानिंग की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, और उसके साथ अगर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो तो उसके साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अटैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ अब आने वाली हैं, आप अभी से प्लान करते हो मैं गर्मियों की छुट्टियों में एक्सरसाइज करूँगा या वॉक पर जाऊँगा। मान लेते हैं आप बोलते हैं कि मैं रोज़ 6 बजे उठ के 1 किलोमीटर मैं वॉक पर जाया करूँगा जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर मैं पूरा नहीं कर पाता, 1 किलोमीटर नहीं मैं जा पाता वॉक पे, तो मैं तीसरे दिन या चौथे दिन उसको कंपनसेट करूंगा बाय गोइंग फॉर वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स। यानी कि पहले 1 किलोमीटर जाते थे लेकिन 2-3 दिन आप नहीं गए, तो तीसरे दिन या चौथे दिन आप उस चीज़ को डबल करोगे, 2 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे या वॉक करोगे। तो ये आपने क्या किया, उसके साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अटैच कर दिया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से आपका क्या हुआ कि आपको वो पुश करेगा कि अगर मैं ये काम अचीव नहीं करूँगा तो मुझे इसके लिए डबल काम करना पड़ेगा। तो ये बेटर है कि मैं इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करता रहूँ। प्लानिंग, शेड्यूलिंग और अटैचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू एन इवेंट, ये आपको, ये तीन चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा सक्सेस रेट देती हैं, आपको आपका गोल अचीव करने में आपकी मदद करती हैं। अब मैं बात करता हूँ मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन इसमें कैसे फिट हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है और उसके साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपने अटैच किया है, तो उसके बाद मोटिवेशन आपको बहुत मदद कर सकती है, मोटिवेशन आपके अंदर एनर्जी भर देगी। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और ये चीज़ें नहीं है, तो आप अपनी जो एनर्जी है, आपके पास एनर्जी तो है लेकिन उस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ वो डायरेक्शन ही नहीं है। आपकी एनर्जी हर डायरेक्शन में फैल जाएगी और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेशन आपको एनर्जी से भर देता है, आपको एनर्जी देता है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपको उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने की डायरेक्शन देती है।
प्लानिंग शेड्यूलिंग ने आपको डायरेक्शन दे दी, इस डायरेक्शन में जाना है, मोटिवेशन ने आपको एनर्जी दे दी कि इस एनर्जी को इस डायरेक्शन में लगाना है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें मिलके आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, पहली चीज़ है प्लान करो, उसको शेड्यूल करो, अगर उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपने इवेंट सेट किया है तो उसके साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अटैच करो। मोटिवेशन तो आप जो आपके मदर फादर भी आपको अच्छे से, पेरेंट्स आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन का फ़ायदा, उस एनर्जी का फ़ायदा आपके पास तभी होगा जब आप किसी भी चीज़ का प्लान या उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है या उसका जो पूरा शेड्यूल है वो आपके पास होगा। तो ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए। मोटिवेशन आपको पता नहीं कहाँ से कब कैसे मिल जाए, आपको पुश करेगी मोटिवेशन, से एनर्जी प्रोवाइड करेगी चाहे आपका मन हो ना हो, लेकिन जो मोटिवेशन है आपको पुश करेगी उस डायरेक्शन में जाने के लिए, और प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। आज की डेट में आज ही से आप अपनी प्लानिंग और शेड्यूलिंग बना के रखिए कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है, मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी और आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम कुछ साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।